हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। बच्चों, पिछले वीडियोज में हम आपसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, यानी कि अगर बच्चों मेरे पास सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूट भी लिक्विड है, बच्चों दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं और ओवरऑल देखते हैं इसमें सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो बच्चों हेडलाइन देंगे यहाँ पे, आइए मेरे साथ फटाफट नोट करेंगे, लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। चलिए तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड के बारे में। तो बच्चों इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे इस चैनल पे जाके चैनल नेम बच्चों केमिस्ट्री क्लासेस बाय एमके मिश्रा, आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इस वीडियोस को कंप्लीट बच्चों शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें वीडियोस को, सबों तक वीडियोस पहुंच सके, सभी बच्चे को सभी तक मेरा लेक्चर पहुंच सकेगा और सभी बच्चे को इससे लाभ होंगे, बेनिफिट्स होंगे। तो बच्चों चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है और सॉल्युबिलिटी ऑफ लिखा है लिक्विड इन लिक्विड। क्या लिखा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ, बच्चों आज पढ़ेंगे हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। बच्चों मेरे पास सॉल्वेंट भी, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है। क्या है? सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, दोनों को मिलाएंगे बच्चों इस केस में क्या होगा? बच्चों पहली बात ये होती है कि हीट ऑफ, देखेंगे अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया जाएगा तो उस केस में कितना हीट को एब्जॉर्ब होगा या कितना हीट को इवॉल्व करेगा। तो बच्चों इसमें देखना है अगर आप किसी सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, दोनों बच्चों को मिलाने के बाद जो सोल्यूशन तैयार होता है उसके दौरान कितना हीट का, या तो हीट को रिलीज करेगी या तो फिर हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम लोग इस केस में पढ़ेंगे आज यहाँ पे लिक्विड सोल्यूशन बच्चों पढ़ेंगे। अगर दोनों लिक्विड होगा इसको नाम क्या हो जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे लिक्विड सोल्यूशन। क्या बनेगा ये हमारा पहली बात बनेगा लिक्विड सोल्यूशन। एक्चुअली सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड है। और आप बच्चों ने बताया था आपको पिछले वीडियोस में, अगर सॉल्वेंट का फेज लिक्विड होगा, अगर सॉल्वेंट का फेज लिक्विड होगा तो सॉल्यूशन भी क्या होगा आपका, कहलाएगा लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है हमारा सॉल्वेंट भी लिक्विड फेज में है तो कहलाएगा हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। अब बच्चों यहाँ पर देखिए टॉपिक्स को, यहाँ पर गौर करनी है लिक्विड सॉल्यूशन। बच्चों लोग देखेंगे आज वेपर प्रेशर, क्या देखेंगे आज हम लोग वेपर प्रेशर। मुझे यहाँ पर देखना है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन का बात करेंगे वेपर प्रेशर। अब बच्चों ये वीपी बनता कब है, कैसे बनता है? पहली बात बच्चों अगर मेरे पास देखना है, अगर मैंने यहाँ बीकर लिया, ठीक है, और बच्चों यहाँ पे सिस्टम जो है इसमें मैंने लिक्विड सॉल्यूशन लिया, इसमें लिक्विड सॉल्यूशन लिया, ठीक है, इसमें क्या लिया हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए अब बच्चों इसको क्या कर रहे हैं, हीट करते हैं, क्या करते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसको हम लोग हीट दे रहे हैं। अब जब जैसी बार इसको हम लोग हीट देंगे तो क्या होगा, ये आपको वाटर क्या होंगे बताइए, पानी क्या होगा आपको, इवेपोरेट होगा। अब वाटर इवेपोरेट होंगे दिए गए टेम्परेचर पर बढ़ने पर क्या होगा, तो इसके वेपर बनेंगे। अब सिस्टम तो मेरा क्लोज है, सिस्टम क्लोज है, वेपर तो आप आउटसाइड एस्केप होगा नहीं, वेपर तो बाहर जा नहीं पाएंगे। अब वेपर बाहर जाए आपको नहीं जाएगा, इसका मतलब तो क्या होगा, वेपर कहाँ बनेंगे, इसके लेयर बन जाएंगे, कहाँ बनेंगे वेपर, तो वेपर आपको बनेंगे इसके सरफेस पे, सतह पर आपको बन जाएंगे। अब देखिए अब ये वेपर को बाहर जाने का कोई आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वेपर कहाँ जमा हो जाएगा, इसके सरफेस पे आके सब जमा हो जाएंगे। अब ये वेपर इस लिक्विड सरफेस पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ गैस सॉल्यूशन। आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ बच्चों एक पॉइंट्स है कि अगर लिक्विड ये तब होगा, वीपी तब बनेगा जब लिक्विड और हमारा वेपर, जब लिक्विड और वेपर दोनों आ जाएंगे इक्विलिब्रियम में, जब लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे उस केस में आपका लिक्विड से वेपर बनेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे वेपर को अगर कंडेंस करेंगे ठंडा करेंगे तो फिर पानी बन जाएगा, फिर क्या बनेगा पानी बन जाएगा। इसका मतलब ये होता है ना कि लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, तो ये हमारा एक रिवर्सिबल है, इसको लोग बच्चों बोलते हैं आपको रिवर्सिबल कंडीशन। और यहाँ पर होता है इक्विलिब्रियम फेज, इक्विलिब्रियम का बच्चों मतलब ये होगा कि अब इक्विलिब्रियम फेज में वीपी बनता है और यहाँ पे जो वेपर बनती है, जो आपको हीट करने पर जो वाष्प, जो वेपर आपको सरफेस पे आपको नजर आ रही है, ये वेपर लिक्विड के सरफेस पे जितना प्रेशर अप्लाई करेगा बच्चों से हम क्या बोलेंगे वेपर प्रेशर, क्या बोलेंगे उसको हम लोग वेपर प्रेशर। इसको बच्चों नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे
द प्रेशर एग्जर्टेड एट द सर्फेस ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इज कॉल्ड क्या होगा बच्चों? वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर के लिए बच्चों कंडीशन है लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, लिक्विड को हीट करने पर क्या होगा? वेपर बनेगा। सिस्टम क्लोज है। अगर बात करेंगे ओपन सिस्टम का, तो ओपन सिस्टम में बच्चों वीपी कभी नहीं बनेगा। अगर ओपन सिस्टम में तो क्या हो जाएगा, वीपी क्या करेंगे? अगर वीपी बनेगा, वीपी कहां जाएगा? बाहर जाएंगे, एनवायरमेंट में जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, सिस्टम ओपन होने पर वीपी कभी आपका फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि वाष्प हमारे बाहर निकल जाएंगे। अगर सिस्टम को बच्चों ने क्लोज कर रखा है, तो क्लोज करने पर हमेशा वीपी बनता है। आपको ध्यान रखना है कि वेपर प्रेशर कब बनता है, जब बच्चों हमारा सिस्टम क्या होगा, क्लोज होगा। क्लोज सिस्टम में लिक्विड को हीट करने पर, गर्म करने पर जिसका वेपर बनेंगे, वेपराइज होगा। ये वेपर कहां जाएंगे? जो हमारे सरफेस है, हाँ, इस जो हमारे आप दिख रहा है सरफेस, इस पर जाके सब क्या हो जाएंगे, आपका लिक्विड के वेपर सब जाके जमा हो जाएंगे, गैदर हो जाएंगे। अब ये वेपर इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर, ये वेपर लिक्विड के सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर, कितना दाब लगा रहा है, यानी इसको आप दोनों बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आया समझ में? तो इसके लिए कंडीशंस है कि लिक्विड और वेपर के बीच हमारे पास आप प्रेशर संबंध होगा, इक्विलिब्रियम में होंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाने के बाद आपका वीपी का फॉर्मेशन होगा, एंड दोनों तरफ का जो आपका कंसंट्रेशन है मेंटेन है। लिक्विड और वेपर दोनों आपको सेम, लिक्विड से वेपर बनेंगे, वेपर को फिर कंडेंस ठंडा करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा। तो अब इसको नोट कर लिया वीपी कहां बनेंगे, वीपी का फॉर्मेशन कब होगा, सिस्टम कैसा बना है, हमारा सिस्टम कैसा है, क्लोज कैसा है बच्चों, हमारा क्लोज सिस्टम है, ध्यान रखना पड़ेगा। ओपन सिस्टम में नहीं बनेगा, सिस्टम खुला हुआ होगा कभी भी नहीं बनेगा वेपर प्रेशर, इसको ध्यान रखना है। तो देख लिया इसको हम लोग, चलते हैं आगे। अब बच्चों देखना है कि वेपर प्रेशर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे इफेक्ट डालते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स जो इसे इफेक्ट करते हैं। तो चलो लिखेंगे फैक्टर्स, बच्चों नोट करेंगे, लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। बच्चों क्या नोट करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर वीपी को इफेक्ट डालते हैं बच्चों, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स जिस पर वीपी डिपेंड करता है बच्चों। पहली बात करेंगे हम लोग, मतलब पहला बात, फर्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, वो हो जाएंगे नेचर ऑफ लिक्विड होगा। और सेकेंड हो जाएगा टेम्परेचर, सेकेंड कौन सा होगा, टेम्परेचर। तो किसी भी सॉल्यूशन का बच्चों वीपी जो होता है वो दो बातों पर डिपेंड करती है, दो पॉइंट से निर्भर करती है। एक तो बच्चों होगा लिक्विड का प्रेशर नेचर होगा, और दूसरा पॉइंट है हमारा टेम्परेचर। मेनली टू पॉइंट्स पे वीपी डिपेंड करती है, लिक्विड की नेचर। अब बच्चों लिक्विड का नेचर का मतलब ये हुआ कि लिक्विड का प्रेशर नेचर होगा, उसे यहां पे हम लोग नोट करेंगे, यहां पे हम लोग नोट करेंगे लिखेंगे हायर द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, हायर द इंटरमोलिकुलर फोर्स, लेसर विल बी फॉर्मेशन ऑफ वेपर। बस उस पॉइंट को याद रखना है कि अगर किसी भी लिक्विड का अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इस पर डिपेंड करता है स्ट्रेंथ पर, उसके बॉन्डिंग पे, अगर लिक्विड्स का इंटरेक्शन, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है, अगर वो स्ट्रॉन्गर है,
तो उस केस में बीपी क्या होगा, वाष्प दाब कम बनेंगे, बीपी क्या होंगे, लेस बनेंगे। डिपेंड करता है कि कैसा अपना लिक्विड्स है। अगर लिक्विड के इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी उसके फोर्स जो इंट्रैक्शन जो है काफी स्ट्रॉन्गर होंगे तो उस केस में वो सरफेस को वहां से बीपी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, बीपी का जो होगा वहां पर बहुत कम बनेंगे, नहीं बराबर बनेंगे। तो डिपेंड करता है अगर इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन कम है, इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर वीक है तो आज क्या होगा, आसानी से क्या होगा, वेपर बनेगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीकर है तो क्या होगा, बीपी का वैल्यू ज्यादा होगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स इस वीकर है, अगर स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा आपको प्रबल मजबूत है तो क्या होगा, बीपी का फॉर्मेशन कम होगा, क्या होगा, बीपी वहां पे कम बनेगा। तो डिपेंड करता है कि आपका लिक्विड कौन सा नेचर है, कैसा लिक्विड्स का बिहेवियर होगा। तो लिक्विड्स का जो नेचर है, जो बिहेवियर है, वो जो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है उसके इंट्रैक्शन पे। आया बात समझ में, आया समझ में। इंट्रैक्शन का मतलब बच्चों आपको मैंने पहले बता दिया, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूल्स के बीच के जो फोर्स होते हैं उसको बच्चों बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी बीच का जो आपको स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो कहीं ना कहीं अगर स्ट्रॉन्गर है तो क्या होगा, वेपर का फॉर्मेशन बहुत कम करेगा। अगर इजिली बॉन्ड है, अगर लिक्विड्स के बीच इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन वीक है तो वह इजिली वे में क्या करेगा, वेपर का फॉर्मेशन कर देगा। आया बात समझ में, यहां तक नोट कर लीजिए। नोट किया इसको, चलिए। तो बच्चों दोनों में इंट्रैक्शन है, कहीं ना कहीं आपका रिलेशन है। और याद रखेंगे, एक पर बच्चों याद रखेंगे, चलो बात करें तो ऑर्डर ऑफ लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा। बच्चों बात करेंगे इथाइल अल्कोहल बच्चों उससे कम हो जाएंगे वाटर पर। अगर हम कंपेयर करें तो बच्चों इथाइल अल्कोहल है, बच्चों बात करेंगे वाटर का, बच्चों बात करेंगे हम लोग ग्लिसरॉल का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होते हैं ना, इसमें आपका जो इंट्रैक्शन है, जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, वह क्या होगा, सबसे ज्यादा बच्चों इसमें होता है ग्लिसरॉल में होता है, जिसका मतलब यहाँ पे बीपी क्या हो जाएगा, इसका सबसे मिनिमम हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे इथाइल अल्कोहल आप देखेंगे यहाँ पे बच्चों कौन से हैं आपका, ये इस बच्चों एक्चुअली इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, अल्कोहल के अंदर में इथाइल अल्कोहल्स है और बच्चों वाटर है। तो कहने का बच्चों ये होगा कि ज्यादा आपके वोलेटाइल्स होंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, बीपी आपका ज्यादा बन जाएगा, आपका हाई होगा। तो बीपी का ऑर्डर का मतलब बच्चों ये हुआ कि इंट्रैक्शन कितना आपका वीकर है। तो इथाइल अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में इंट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स वीकर है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बॉन्ड आपको इजीली वे में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और आसानी से क्या करेगा, ये बीपी का फॉर्मेशन कर देगा। जितना कमजोर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन उतना आसानी से बीपी बनेगा। तो इथाइल अल्कोहल का लेस इंट्रैक्शन फोर्स, दैट्स व्हाई इट कैन फॉर्म इजीली वेपर प्रेशर। नोट कर लें इसको। नोट कर लिया तो जिसमें एक चीज देखेंगे, अब देखना अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, अगर जाहिर सी बात है कि जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्गर है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, क्या हो चुका होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो जाहिर सी बच्चों बात, अगर हम बात करें वाटर का अल्कोहल का, देखिए बच्चों इसमें होता क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वाटर का क्या है बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा होंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा उसका बीपी उतना कम होगा, इसको याद रखना है। वाटर के केस में अगर बात करें, इथाइल अल्कोहल है मेरे पास, वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और अल्कोहल के क्या है बॉइलिंग पॉइंट आपके लो हो जाएंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने से अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो बच्चों यहाँ पे नोट कर लेंगे, नोट पॉइंट करेंगे लिखेंगे इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लेसर विल बी वीपी। बच्चों ध्यान देंगे, अगर बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा वीपी उतना ही क्या होगा, कम होगा। बच्चों दोनों इनवर्सली है, यानी कि अगर एक बढ़ता एक घटता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी का ऑर्डर दिया हुआ, अगर आपके पास तीन लिक्विड्स हैं, चार लिक्विड्स हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया हुआ है, तो बच्चों उस क्रम में वीपी क्या हो जाएगा। तो याद रखना यहाँ पर आपको
वहां पे मेमोराइज करनी है, बॉइलिंग पॉइंट जिसका जितना ज्यादा होगा उसका बीपी क्या होगा उतना कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का वजह यह हुआ कि वो क्या होंगे बच्चों, लेस वोलेटाइल होंगे। जिसका बीपी जितना ज्यादा हाई होगा वो बच्चों उतना ज्यादा मच मोर वोलेटाइल होंगे। वोलेटाइल का बच्चों मतलब क्या होगा, जो आसानी से इसका भेपर बन जाए, जो इजिली दिए गए तापमान पे इसका आसानी से भेपर बन जाता है उसको हम लोग वोलेटाइल कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल है इसका मतलब उसका क्या हो जाएगा बच्चों, बीपी तुरंत क्विकली आपको इजिली बन जाएंगे। तो अल्कोहल और वाटर की बात करें बच्चों, तो अल्कोहल आसानी से क्या हो जाएंगे, भेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। इट मीन्स इट इज मोर वोलेटाइल, वाटर वोलेटाइल है, वाटर वोलेटाइल होंगे, लेकिन अगर बात करें अल्कोहल और वाटर में तो अगर दोनों कंपेयर करें तो बच्चों यहाँ पे ये मच मोर वोलेटाइल हो जाएंगे, वाटर इसके तुलना में लेस वोलेटाइल होगा। तो जो जितना ज्यादा वोलेटाइल होंगे उसका बीपी जितना हाई होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट जितना अगर लिक्विड का ज्यादा हो रहा है सब्सटेंस का, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से बीपी क्या हो जाएंगे उसके इनवर्सली, बॉइलिंग पॉइंट आपका बीपी क्या करेगा डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा बीपी क्या करेगा डिक्रीज करेगा। नोट कर लिया, नोट कर लिया, चलिए चलिए बच्चों लोग देखेंगे नेक्स्ट एक बच्चों पॉइंट है टेम्परेचर। बच्चों अगर बात करें टेम्परेचर का तो बच्चों आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं डिपेंड करती है बीपी, किस पर डिपेंड करती है, तो बच्चों डिपेंड करती है बीपी टेम्परेचर पे, किस पर डिपेंड करती है तो बच्चों सेकंड पॉइंट ले लेंगे आपका टेम्परेचर, क्या लेंगे मतलब ले लेंगे टेम्परेचर। तो बच्चों देखना है कि अब टेम्परेचर की बात करें, अगर तापमान को अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट सॉरी अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बीपी क्या होगा और इंक्रीज फास्ट होगा। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है ना कि जो मॉलिक्यूल्स जो है जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है उसका कि बच्चों क्या उसमें जो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी बढ़ जाएगी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो टेम्परेचर बढ़ाने पे आप क्या होंगे वेपर फॉर्म में आएंगे, वेपर में आएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का है वो इंक्रीज करेगा। जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा इसका मतलब उतना आसानी से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बच्चे उसको लिख सकते हैं When temperature is, तो नोट करेंगे when temperature is increased, VP increases, VP increases because because increasing temperature kinetic energy of molecules increases, that's why it can easily form vapor pressure। तो बच्चों कहीं ना कहीं बीपी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होंगे कोलिजंस बढ़ेंगे, और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच जितना ज्यादा कोलिजंस बढ़ेगा कोलिजन के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा वो उतना जल्दी सरफेस को छोड़ देंगे और वह वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर तापमान पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ने पर बीपी बढ़ता है इंक्रीज करता है। आई बात समझ में, सो नोट कर लें, नोट कर लें। नोट कर लिया बच्चों, तो याद रखेंगे कि दो फैक्टर्स हैं जो बीपी को इफेक्ट डालते हैं, एक बच्चों लिक्विड्स का नेचर होता है और सेकंड बच्चों पॉइंट है टेम्परेचर। ये दोनों फैक्टर्स कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर को इफेक्ट डालते हैं। और बीपी बच्चों में एक बार और बता रहा हूँ, बीपी तब बनते हैं किसी भी क्लोज सिस्टम में बनते हैं, सिस्टम क्लोज है तो क्लोज सिस्टम में अगर आप उसको हीट कर रहे हैं आप उसको टेम्परेचर दे रहे हैं तो लिक्विड क्या होंगे वेपराइज होंगे तो वो क्या होगा धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होगा। और वो वेपर सिस्टम क्लोज है तो वेपर तो कहीं बाहर जाएगी नहीं, और वो वेपर जो होगा लिक्विड के सरफेस पे जितना प्रेशर अप्लाई करेगा
बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो इक्विलिब्रियम हो जाता है, याद रखेंगे क्लोज सिस्टम होगा लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड। अगर आप लिक्विड से बनाया वेपर, उस वेपर को अगर ठंडा करेंगे तो पानी बन जाएगा, फिर हीट करेंगे फिर क्या बनेगा, वेपर बनेगा। तो वो वेपर लिक्विड सर्फेस पे कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। और वो टू पॉइंट पे डिपेंड करती है, एक लिक्विड के नेचर पर, एक टेम्परेचर पर। तो ठीक है बच्चों, लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और आपसे हम आपको चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।